नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको आज स्विगी बॉयज की डिलीवरी नहीं मिलेगी। जी हां, स्विगी बॉयज जो आपको खाना खिलाते हैं बहुत ज्यादा दूर तक भी जाते हैं, यानी कि 6-6 किलोमीटर तक भी जाकर जो है आपको घर पर आपके गरम गरम जो है खाना उपलब्ध करवाते हैं। आज वो लोग सड़कों पर एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्या जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ स्विगी की टी शर्ट डाली हुई है। आपने ये चेहरे कहीं ना कहीं अपने घर पर जरूर देखे होंगे। आज ये लोग यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका जो है पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। अगर आप ये बाइकें देखेंगे तो इन्हीं बाइकों पर जो है ये डिलीवरी करने जाते हैं, और इन डिलीवरी को जो जब ये करने जाते हैं तो इन बाइकों में पेट्रोल डलता है। तो आपको पता है पेट्रोल आजकल जो है कितना महंगा होता जा रहा है, यानी 100 पार करने वाला। एक बार बातचीत करेंगे इनसे। अंकल जी, आप ही इसी से घर चलाते हो? हाँ जी, स्विगी से हूँ मैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? मेरे 3 साल हो गए काम करते हुए सर। कंपनी पहले सर हमें 32 रुपये ऑर्डर देती थी, और सर हमारा जो किलोमीटर था वो सर सिर्फ 3 किलोमीटर तक था। अब इन्होंने सर सिर्फ 22 रुपये ऑर्डर कर दिया है, और किलोमीटर 6-6.5 किलोमीटर तक ऑर्डर दे के आते हैं जी। अब ये देखो उसमें मतलब हमारा 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना। हाँ जी, 12 किलोमीटर होगा। अब देखो 22 रुपये में कैसे काम चलेगा? उसे पेट्रोल भी है जी, बाइक का भी खर्चा होता है जी, और हमने अपना भी देखना है जी। तो मतलब ये दिक्कत कैसे आ रही है, कंपनी की तरफ से आ रही है या कोई आपके ऊपर है ठेकेदार? हाँ, कंपनी वालों ने ये तो बंदे कह रहे हैं अभी ठेकेदारी को सौंप दिया। पहले कंपनी वाले का जो सिस्टम था ना जी, वो 32 रुपये ऑर्डर था। तो अब जो है बीच में कोई है, कोई बीच में पर्सन है ठेकेदार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सेक्टर 14 में ऑफिस है जी, वहाँ पे बैठता है बंदा संदीप है जो हमारे सर है जी। वो अपने हिसाब से ही सेटिंग करता है, जो भी देता है सब कुछ उनके हाथ में जी। रेट ये फिक्स करा है 22 रुपये? हाँ जी, हाँ जी, 22 रुपये ऑर्डर है जी। रात को 5 रुपये देते हैं एक्स्ट्रा जी, वो 5 रुपये भी खत्म कर दिए जी। अब ये देखो 22 रुपये में हमारा घर कैसे चलेगा जी। वीकली होता था सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा मिलते थे पैसे। हाँ जी, वो 5 रुपये देते जी, वो बंद कर दिया जी, सब कुछ बंद कर दिया जी। हाँ जी, जो मान लो 6 दिन में 600 रुपये मिलते थे वो भी बंद कर दिया। 2500 रुपये जो मंथली मिलता था वो भी बंद कर दिया इन्होंने। और जो 22 रुपये, अब आप ये हिसाब लगाओ 280 रुपये का काम होएगा तो 200 का तो पेट्रोल लग जाएगा, क्या कमा के जाएंगे? 80 रुपये कमा के जाएंगे। मतलब जो कंपनी की तरफ से फिक्स्ड रुपए मिलते थे वो भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, ये सब ठेकेदारों ने कर रखा है। तो बातचीत की है आपने उनसे? बात वो हम बात करते, वो कहते हैं ऊपर कंपनी में बात करो, तो कंपनी में किससे बात करें? या तो हमें कंपनी का कोई रास्ता दे, वो रास्ता भी नहीं देते, सीधा बोलते हैं कंपनी में बात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। एक बार जो है इनसे बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ जो है इनका कहना है। उसके बाद कुछ नहीं है, क्या कहना है? लास्ट 11 बजे तक होता है, जो भी करते हैं ना सब। मैम, हम बात कर चुके हैं, वो साफ कहते हैं, क्लियर कहते हैं, हम 22 रुपये ऑर्डर देंगे, सब पर 1 रुपया नहीं देंगे। वो क्लियर ही बोलते हैं हर बात को। अगर कोई बोलता है तो उसकी आईडी क्लोज कर देते हैं, आईडी बंद कर देते हैं, हर तरह से धमकी देते हैं कि हम आईडी को क्लोज कर देंगे, हम आगे से काम नहीं करने देंगे, तुम्हें कहीं और काम देख लो। 22 रुपये ऑर्डर है हमारा, तो 2200 पर ऑर्डर नहीं मिले। तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इसी पर चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारों का गुजारा इसी पर चल रहा है जी। हम 3 साल से काम कर रहे हैं रेगुलर, 3 साल से ना हमने कोई ऐसा काम करा जिससे हमारी आइडिया बंद हो। हम 3 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, और हम अपने ओनर पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें हर तरह से लॉस में रखा जा रहा है। पहले हमें महीने में 2500 रुपये मिलता था, वो भी हमारा काट लिया, वो भी हमें नहीं मिलता। 600 रुपये लॉगिंग का मिलता था, वो भी नहीं मिलता। हर तरह से लॉस में रखा जा रहा है। कंपनी ने जब हमें ज्वाइनिंग करवाई थी ना, तो उन्होंने ये क्या क्या बोला था कि आपको हफ्ते में तेल के पैसे अलग मिलेंगे 600 रुपये, और जो कस्टमर हमें रेटिंग करते थे ना महीने में, उसके 2500 अलग थे, और 30 रुपये 3 किलोमीटर तक के थे हमारे। जो पर किलोमीटर आता था हमें कंपनी 5 रुपये प्रोवाइड करती थी, और उसके बाद हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो अलग उन्होंने दे रखा था, बल्कि दे तो इन्होंने भी रखा है, लेकिन जब 1-1.5 साल बाद ये ठेके पे चली गई तो इन्होंने ऑटोमेटिकली रेट खत्म कर दिया, 22 रुपये रेट कर दिया, ठीक है। और 6 किलोमीटर तक के हमें 22 रुपये देते, जिसमें 6 किलोमीटर से हमें आना भी और जाना भी, हमें पड़ गया 12 किलोमीटर, ठीक है जी मैडम। और 22 में हमें कुछ नहीं बचता बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि कंपनी हमारा ये सोल्यूशन करे कि 3 किलोमीटर तक हमें 30 रुपये दे, और पर किलोमीटर का हमें हिसाब दे 3 किलोमीटर के बाद का, लॉन्ग डिस्टेंस हमारा घटाया जाए और रेट बढ़ाया जाए हमारा। हम ये चाहते हैं कंपनी से, और कुछ नहीं चाहते। मतलब ये इशू जब से हुआ है, जब ठेके के अंडर आ गया? हाँ जी, ये जब से ठेके पे गया है ना, तब से ये इशू है। और जो हमारा ऑर्डर कैंसिल होता है वगैरह होते, जो पैसे हमें कैंसिल के मिलते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया, जबकि हमें पहुंच के पैसे मिलते थे।
हम चाहते हैं कि हमारे 3 किलोमीटर तक के हमारे 30 रुपये रेट रखे और 3 किलोमीटर का हमारा 5 रुपये पर किलोमीटर रखे। हम कंपनी से ये नहीं कहते, ठेकेदारों से पीछे से, हालांकि हमें 600-2500 मिल रहा है, कंपनी हमारा सारा खर्चा दे रही है, लेकिन ये ठेकेदार आगे खा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें 600-2500 मिले, हमें 3 किलोमीटर तक के 30 रुपये चाहिए। कंपनी वही पे कर रही है, बस बीच में ठेकेदार जो बेंगलोर से हमारी कंपनी जो डायरेक्ट हमारी ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ से पूरे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार आगे गड़बड़ कर रहे हैं। हमें 625 होनी चाहिए, हमें 3 किलोमीटर तक के 30 रुपये चाहिए और 3 किलोमीटर का हमें पर किलोमीटर का हिसाब चाहिए 5 रुपये के हिसाब से, और कुछ नहीं चाहते मैडम। बस आपकी 22 रुपये डिलीवरी, अभी हमारी 22 रुपये डिलीवरी है मैडम, चाहे जितने मर्जी किलोमीटर, दिन रात 3 किलोमीटर के बाद, चाहे हमारे 4 किलोमीटर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 5 किलोमीटर के बाद से हमें सर्ज मिलना चाहिए। 3 किलोमीटर तक के हम 30 रुपये कहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते हम। और जो ये हमें त्यौहार पे हमें जो ये देते थे वो अलग से चाहिए, और बाकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये भाई जो खड़े हैं, अगर हम उनके खिलाफ़ ऐसा बोल रहे हैं कभी हमारी आईडी बंद कर दे, इस चीज़ की हमें धमकी देते हैं वो। अब हमने आपको बुलाया, आप हमारा इंटरव्यू लेके जा रहे हो, तो हमें डर है कि हमारी आईडी ना बंद कर दे, और वो करेगा ऐसे भी, तुमने मीडिया क्यों बुलाया, धमकी देता हमें, और कहता है अपनी, वो हमें कहता है कि अपनी दूसरी नौकरी देख लो। ये कौन सी बात हुई मैडम, आप हमारा हल करो। ये मैडम हम 2-2.5 साल से हम झेल रहे चीज़ को, कंपनी में मुझे 4 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं स्विगी में, बहुत पुराना रेडियो रूम है यहाँ का, मैं बेंगलोर के थ्रू यहाँ से सिलेक्ट हुआ था, यहाँ पे होटल एट प्लेनेट में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, और 2019 में हमारी जनवरी से ये काम स्टार्ट हो गया था। तो कंपनी में डायरेक्ट आपकी कुछ बातचीत हुई, कुछ फ़ोन कॉल, कोई ईमेल? नहीं, जब से कंपनी जो हमारे जो कंपनी के जो बंदे थे सारे, वो उनकी लगभग ट्रांसफ़र हो गई थी चंडीगढ़ में, तो धीरे धीरे करके ये ना बंदों ने, ये जो बेंगलोर वालों ने, इनको ठेके पे दे दिया था भई ये कंपनी ठेके पे जाएगी। लेकिन ठेके पे ये बात हुई थी पहले भी, जो बंदे कह रहे थे पहले, हमने सुनने में आया था ये खबर भी आई थी पहले दिल्ली से, कि ये 28 रुपये सर्ज करेंगे और जो इनका इंसेंटिव है इसको अच्छा बना देंगे, लेकिन इन्होंने इंसेंटिव छोड़ो, इन्होंने तो रेट इतना घटा दिया, और पहले तो इन्होंने 8 किलोमीटर तक का 22 रुपये कर रखा था, फिर धीरे धीरे करके 6 किलोमीटर के बाद आए, 6 किलोमीटर तक इन्होंने 22 रुपये करा, अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब ये सोच रहे हैं कि इनका और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस घटाया जाए, 3 किलोमीटर तक हमारा 30 रुपये रखो बस, हम 22 रुपये सर्ज नहीं चाहते। पेट्रोल की महंगाई को ध्यान में रखते हैं मैं चाहता हूँ कि हमारा 30 रुपये रेट कम से कम होना ही चाहिए 3 किलोमीटर तक का, और 3 किलोमीटर के बाद जो हमारा जो पर किलोमीटर हमारा 5 रुपये एक्स्ट्रा सर्ज होना चाहिए मैडम। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी बाइकें यहाँ खड़ी है ये पेट्रोल से चलती हैं जी, यहाँ पेट्रोल से चलती है, ना कि पानी से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 22 रुपए में जो है कम से कम 6 किलोमीटर लगाकर अगर चलते हैं, वापस आने का तो 12 किलोमीटर बनता है, तो एक लीटर पेट्रोल उसके लिए लगभग चाहिए होता है, यानी 1 लीटर पेट्रोल जो है आपकी बाइक में होना चाहिए, यानी कि कम से कम भी 100-95 रुपये जो है लीटर पेट्रोल हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। तो आपसे यही अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इनकी आज यहाँ पर हड़ताल है, कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि जनता को भी जो इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग अपने घर पर आराम से पहुंचते हैं तो ये लोग जो है आपके लिए खाना गरम गरम जो है लेकर आते हैं। सभी से अपील की वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको आज स्विगी बॉयज की डिलीवरी नहीं मिलेगी। जी हां, स्विगी बॉयज जो आपको खाना खिलाते हैं बहुत ज्यादा दूर तक भी जाते हैं, यानी कि 6-6 किलोमीटर तक भी जाकर जो है आपको घर पर आपके गरम गरम जो है खाना उपलब्ध करवाते हैं। आज वो लोग सड़कों पर एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्या जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ स्विगी की टी शर्ट डाली हुई है। आपने ये चेहरे कहीं ना कहीं अपने घर पर जरूर देखे होंगे, आज ये लोग यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका जो है पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। अगर आप ये बाइकें देखेंगे तो इन्हीं बाइकों पर जो है ये डिलीवरी करने जाते और इन डिलीवरी को जो जब ये करने जाते हैं तो इन बाइकों में पेट्रोल डलता है। तो आपको पता है पेट्रोल आजकल जो है कितना महंगा होता जा रहा है, यानी 100 पार करने वाला, एक बार बातचीत करेंगे इनसे। अंकल जी, आप ही इसी से घर चलाते हो? हाँ जी, स्विगी से। मैं क्या दिक्कत आ रही है सर? मेरे 3 साल हो गए काम करते हुए सर। कंपनी पहले सर हमें 32 रुपये ऑर्डर देती थी और सर हमारा जो किलोमीटर था वो सर सिर्फ 3 किलोमीटर तक था, अभी इन्होंने सर सिर्फ 22 रुपये ऑर्डर कर दिया है और किलोमीटर 6-6.5 किलोमीटर तक ऑर्डर देके आते हैं जी। अब ये देखो उसमें मतलब हमारा 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना वापस। हाँ जी, 12 किलोमीटर होगा। अब देखो 22 रुपये में कैसे काम चलेगा, उसे पेट्रोल भी है जी, बाइक का भी खर्चा होता है जी, और हमने अपना भी देखना है जी। तो मतलब ये दिक्कत कैसे आ रही है, कंपनी की तरफ से आ रही है या कोई आपके ऊपर है ठेकेदार? हाँ, कंपनी वालों ने ये तो बंदे कह रहे हैं भाई ठेकेदारी को सौंप दिया। पहले कंपनी वाले का जो सिस्टम था ना जी वो 32 रुपये ऑर्डर था, तो अब जो है बीच में कोई है
कोई बीच में पर्सन है, ठीक है, हां जी हां जी, सेक्टर 14 में ऑफिस है जी, वहां पे बैठता है बंदा संदीप है जो हमारे सर है जी, वो अपने हिसाब से ही सेटिंग करता है, जो भी देता है सब कुछ उनके हाथ में है जी। रेट ये फिक्स करा है 22 रुपए। हां जी हां जी, 22 रुपए ऑर्डर है जी, रात को 5 रुपए देते हैं एक्स्ट्रा जी, वो 5 रुपए भी खत्म कर दिए जी। अब ये देखो 22 रुपए में हमारा घर कैसे चले गए जी। वो वीकली होता था, सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा मिलते थे पैसे। हां जी, वो 5 रुपए देते थे जी, वो बंद कर दिया जी, सब कुछ बंद कर दिया जी। हां जी, जो मान लो छह दिन में 600 रुपए मिलते थे वो भी बंद कर दिया, 2500 रुपए जो मंथली मिलता था वो भी बंद कर दिया इन्होंने, और जो 22 रुपए, अब आप ये हिसाब लगाओ 280 रुपए का काम होएगा तो 200 का तो पेट्रोल लग जाएगा, क्या कमा के जाएंगे, 80 रुपए कमा के जाएंगे, मतलब जो कंपनी की तरफ से फिक्स्ड रुपए मिलते थे वो भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, ये सब ठेकेदारों ने कर रखा है। तो बातचीत की है आपने उनसे? बात वो हम बात करते वो कहते ऊपर कंपनी में बात करो, तो कंपनी में किससे बात करें, या तो वो हमें कंपनी का कोई रास्ता दे, वो रास्ता भी नहीं देते, सीधा बोलते कंपनी में बात की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, एक बार जो है इनसे बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ जो है इनका कहना है। उसके बाद कुछ नहीं, क्या कहना है, 11 बजे तक होता है जो ये करते हैं ना सब, लेकिन मैम हम बात कर चुके हैं, वो साफ कहते हैं, क्लियर कहते हैं, हम 22 रिपोर्टर देंगे, सब पर एक पानी देंगे, हमें कुछ नहीं, वो क्लियर ही बोलते हैं हर बात को। अगर कोई बोलता है तो उसकी आईडी क्लोज कर देते हैं, आईडी बंद कर देते हैं, हर तरह से धमकी देते हैं कि हम आईडी को क्लोज कर देंगे, हम आगे से काम नहीं करने देंगे, तुम्हें कहीं और काम देख लो, 22 रिपोर्टर है हमारा, तो 22 रिपोर्टर नहीं मिले। तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इसी पर चल रहे हैं। हां जी हां जी, सारों का गुजारा इसी पर चल रहा है जी, हम 3 साल से काम कर रहे हैं रेगुलर, 3 साल से ना हमने कोई ऐसा काम करा जिससे हमारी आइडिया बंद हो, हम 3 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं और हम अपने ओनर पे काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें हर तरह से लॉस में रखा जा रहा है। पहले हमें महीने में 2500 रुपए मिलता था, वो भी हमारा काट लिया, वो भी हमें नहीं मिलता, 600 रुपए लॉगिंग का मिलता था, वो भी नहीं मिलता, हर तरह से लॉस में रखा जा रहा है। कंपनी ने जब हमें ज्वाइनिंग करवाई थी ना, तो उन्होंने ये क्या बोला था कि आपको हफ्ते में तेल के पैसे अलग मिलेंगे 600 रुपए, और जो कस्टमर हमें रेटिंग करते थे ना महीने में, उसके 2500 अलग थे, और 30 रुपए 3 किलोमीटर तक के थे हमारे, जो पर किलोमीटर आता था हमें कंपनी 5 रुपए प्रोवाइड करती थी, और उसके बाद हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो अलग उन्होंने दे रखा था, बल्कि दे तो इन्होंने भी रखा, लेकिन जब 1-1.5 साल बाद ये ठेके पे चली गई तो इन्होंने ऑटोमेटिकली रेट खत्म कर दिया, 22 रुपए रेट कर दिया, ठीक है, और 6 किलोमीटर तक के हमें 22 रुपए देते, जिसमें 6 किलोमीटर से हमें आना भी और जाना भी हमें पड़ गया 12 किलोमीटर, ठीक है जी मैडम, और 22 में हमें कुछ नहीं बचता बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि कंपनी हमारा ये सोल्यूशन करे कि 3 किलोमीटर तक हमें 30 रुपए दे, और पर किलोमीटर का हमें हिसाब दे 3 किलोमीटर के बाद का, लॉन्ग डिस्टेंस हमारा घटाया जाए और रेट बढ़ाया जाए हमारा, हम ये चाहते हैं कंपनी से, और कुछ नहीं चाहते। मतलब ये इशू जब से हुआ है, जब ठेके के अंडर आ गया। हाँ जी, ये जब से ठेके पे गया है ना, तब से ये इशू है, और जो हमारा ऑर्डर कैंसिल होता है वगैरह, तो जो पैसे हमें कैंसिल के मिलते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया, जबकि हमें पहुंच के पैसे मिलते थे। हम चाहते हैं कि हमारे 3 किलोमीटर तक के हमारे 30 रुपए रेट रखे, और 3 किलोमीटर के बाद हमारे 5 रुपए पर किलोमीटर रखे। हम कंपनी से ये नहीं कहते, ठेकेदारों से पीछे से, हालांकि हमें 600-2500 मिल रहा है, कंपनी हमारा सारा खर्चा दे रही है, लेकिन ये ठेकेदार आगे खा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमें 600-2500 मिले, हमें 3 किलोमीटर तक के 30 रुपए चाहिए। कंपनी वही पे कर रही है, बस बीच में ठेकेदार खा रहे हैं। जो बेंगलोर से हमारी कंपनी जो डायरेक्ट हमारी ज्वाइनिंग हुई थी वहां से पूरे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये ठेकेदार आगे गड़बड़ कर रहे हैं। हमें 625 होनी चाहिए, हमें 3 किलोमीटर तक के 30 रुपए चाहिए, और 3 किलोमीटर का हमें पर किलोमीटर का हिसाब चाहिए 5 रुपए के हिसाब से, और कुछ नहीं चाहते मैडम। बस आपकी 22 रुपए डिलीवरी, अभी हमारी 22 रुपए डिलीवरी है मैडम, चाहे जितने मर्जी किलोमीटर, दिन रात की 3 किलोमीटर के बाद, चाहे हमारे 4 किलोमीटर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 5 किलोमीटर के बाद से हमें सर्ज मिलना चाहिए, 3 किलोमीटर तक के हम 30 रुपए कहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते हम। और जो ये हमें त्यौहार पे हमें जो ये देते थे वो अलग से चाहिए, और बाकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भाई जो खड़े हैं, अगर हम उनके खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, कभी हमारी आईडी ना बंद कर दे, इस चीज़ की हमें धमकी देते हैं वो। अब हमने आपको बुलाया, आप हमारा इंटरव्यू लेके जा रहे हो, तो हमें डर है कि हमारी आईडी ना बंद कर दे, और वो करेगा ऐसे भी, तुमने मीडिया क्यों बुलाया, धमकी देता हमें, और कहता अपनी, वो हमें कहता है कि अपनी दूसरी नौकरी देख लो, ये कौन सी बात हुई मैडम, आप हमारा हल करो, ये मैडम हम 2-2.5 साल से हम झेल रहे हैं चीज़ को, कंपनी में मुझे 4 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं स्विगी में, बहुत पुराना रेड रूम है यहाँ का, मैं बेंगलोर के थ्रू यहाँ से सिलेक्ट हुआ था, यहाँ पे होटल 8 प्लेनेट में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, और 2019 में हमारी जनवरी से ये काम स्टार्ट हो गया था। तो कंपनी में डायरेक्ट आपकी कुछ बातचीत हुई, कुछ फ़ोन कॉल, कोई ईमेल? नहीं, जब से कंपनी जो हमारे जो कंपनी के जो बंदे थे सारे, वो उनकी लगभग ट्रांसफ़र हो गई थी चंडीगढ़ में, तो धीरे धीरे करके ये ना बंदों ने, ये जो बेंगलोर वालों ने, इनको ठेके पे दे दिया था भाई, ये कंपनी ठेके पे जाएगी, लेकिन ठेके पे ये बात हुई थी पहले भी, जो बंदे कह रहे थे पहले, हमने सुनने में आया था ये खबर भी आई थी पहले दिल्ली से, कि ये 28 रुपये सर्ज करेंगे, और जो इनका इंसेंटिव है इसको अच्छा बना देंगे,
लेकिन इन्होंने इंसेंटिव छोड़े, इन्होंने तो रेट इतना घटा दिया। और पहले तो इन्होंने 8 किलोमीटर तक का 22 रुपये कर रखा था, फिर धीरे धीरे करके 6 किलोमीटर के बाद आए, 6 किलोमीटर तक इन्होंने 22 रुपये करा। अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब ये सोच रहे हैं कि इनका और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस घटाया जाए, 3 किलोमीटर तक हमारा 30 रुपये रखो बस, हम 22 रुपये सर जिन चाहते हैं। पेट्रोल की महंगाई को ध्यान में रखते हैं मैं चाहता हूं कि हमारा 30 रुपये रेट कम से कम होना ही चाहिए 3 किलोमीटर तक का, और 3 किलोमीटर के बाद जो हमारा जो पर किलोमीटर हमारा 5 रुपये एक्स्ट्रा सर्ज होना चाहिए मैडम। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी बाइकें यहाँ खड़ी है ये पेट्रोल से चलती हैं जी, यहाँ पेट्रोल से चलती है ना कि पानी से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 22 रुपए में जो है कम से कम 6 किलोमीटर लगाकर अगर चलते हैं वापस आने का तो 12 किलोमीटर बनता है, तो एक लीटर पेट्रोल उसके लिए लगभग चाहिए होता है, यानी 1 लीटर पेट्रोल जो है आपकी बाइक में होना चाहिए, यानी कि कम से कम भी 100 रुपये 95 रुपये जो है लीटर पेट्रोल हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। तो आपसे यही अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इनकी आज यहां पर हड़ताल है, कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि जनता को भी जो इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग अपने घर पर आराम से पहुंचते हैं तो ये लोग जो है आपके लिए खाना गरम गरम जो है लेकर आते हैं। सभी से अपील की वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।